मैं पलक शर्मा हाजिर हूं दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे हमारी इस खास पेशकश में आज बात दुनिया भर में बढ़ते टेररिज्म के खतरे की हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की एक अहम मीटिंग में यूएन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचरा कंबोज ने दुनिया में तेजी से बढ़ते हुए टेररिज्म के खतरे पर बोलते हुए कहा कि टेररिज्म दुनिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है इसको लेकर डबल स्टैंडर्ड्स नहीं अपनाए जा सकते ये बिल्कुल साफ़ है कि टेररिज्म का खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इससे दुनिया का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं है उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमने टेररिज्म को सिर्फ टेररिज्म नहीं माना इसे अलग अलग एंगल से देखना बंद नहीं किया तो इससे खतरा और भी बढ़ जाएगा अपनी आसानी के हिसाब से इस चैलेंज को देखना खतरनाक साबित होगा टेररिज्म के खिलाफ दुनिया को एकजुट होकर कार्रवाई करनी होगी इन्हीं कंसर्न्स पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है तीन खास मेहमानों को हमारे साथ हैं फॉर्मर एम्बेसडर और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रेसिडेंट वीरेंद्र गुप्ता एम के सेंटर ऑफ काउंटर टेररिज्म में रिसर्च फेलो डॉक्टर आदिल रशीद और एम में ही सेंटर ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में रिसर्च फेलो कर्नल विवेक चड्डा हम आप तीनों का वेलकम करते हैं सबसे पहले बाजी गुप्ता मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी बहुत सारी चीजें आई कोविड आया यूक्रेन का मसला आया श्रीलंका आया और इस सब में शायद कहीं ना कहीं जो टेररिज्म का मसला है वो थोड़ा सा बैकबर्नर पर चला गया कुछ दिनों के एक ओवरव्यू अगर मैं आपसे लेना चाहूँ किस तरह से देखते हैं आप डू यू अग्री देखिए जो इंटरनेशनल टेररिज्म है वो दुनिया के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है या सबसे खतरनाक इश्यूज में है इसमें कोई डाउट नहीं है और ये अभी कोई नई बात नहीं है बहुत सालों से मेरा ख्याल है दस पंद्रह सालों से दुनिया इस चीज़ से जूझ रही है आ, हम इंडिया ने बहुत कोशिश करी है अभी भी यूनाइट नेशंस में और हर मल्टीलैटरल फोरम में हम आवाज़ उठाते हैं कि दुनिया भर की ताकतों को हर देश को मिलजुल के काम करना है ये कोई ऐसी समस्या नहीं है कि एक देश अपने तरीके से अलग से इसको सॉल्व कर सके क्योंकि जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके नेटवर्क्स हैं दुनिया भर में फैले हुए हैं तो ये सब के साथ मिलजुल के कर काम करना पड़ेगा जैसा रुचिरा ने बताया कि कोई भी हम उसको जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते और अब जो है अगर हमको इंटरनेशनल टेररिज्म को डील करना है इफेक्टिवली तो कोई भी ग्राउंड नहीं दे सकते हम उसको कोई भी छूट नहीं दी जा सकती है और इसको एक मिलजुट के सारे कंट्रीज़ को कंसर्टेड एक्शन में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन की भी बात हो रही है लेकिन ये सब जो है काफ़ी एक रेटोरिकल स्टेज पे है बातें बहुत होती हैं दुनिया की स्टेज में लेकिन दुनिया के क्या सारे देश मिलजुल के इसके बारे में काम कर रहे हैं आ, आंसर मेरा ख्याल है नकारात्मक में ही होगा अगर सब लोग इकट्ठा काम करने लगें तो ये प्रॉब्लम हम उसको सॉल्व कर पाएंगे बिल्कुल uh, डॉक्टर रशीद मेरा सवाल आपसे है काउंटर uh, टेररिज्म के एरिया में आपने बहुत एक्सटेंसिवली रिसर्च की है काम किया है इस टेररिज्म को या जो जिस तरह का टेररिज्म इस वक्त चल रहा है कितने अलग अलग रूप में हम टेररिज्म को आज के डेट में देख सकते हैं देखिए अभी मुझे ऐसा लगता है कि टेररिज्म भी अपने आप को मॉर्फ करता रहता है चेंज करता रहता है अभी जब से आईस के इलाकों पे सीरिया में 2019 में कार्रवाई हुई और बगदादी मारा गया और उसके बाद और जो दूसरे हेड्स आए आईसिस के उनको भी सफ़ाया कर दिया गया तो ग्लोबल जिहाद में एक किस्म का चेंज आया है और तालिबान के आने के बाद से अब वायलेंट एक्सट्रीमिज्म जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है टेररिज्म का जो सबसे पुराना आइडिया जो था कि बहुत बड़ा हमला करो और सारी दुनिया में दहशत पैदा करो वो आखिरी अटैक अगर आप सोच सकते हैं तो 2019 में श्रीलंका के ईस्टर बॉम्बिंग में हुआ था उसके बाद से मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ शुरू हो गया है और आ, 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 आम लेवल पे लिंचिंग हुई या या नाइफ से हमला हुआ अभी हमने रुशदी के केस में देखा और अनफॉर्चुनेटली uh, इंडिया में भी कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स uh, हुए तो uh, आ, आ, आम समाज में आम लोगों को जो डिसएफिलिएटेड हैं बड़े टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन से वो भी अब इस काम में जो हैं वो आ रहे हैं और एक uh, अबू मुसाब सूरी अलकायदा का आदमी था उसने कहा था कि निज़ाम ला तंजीम कि एक बिल्कुल आ, 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 एनार्किस्ट अप्रोच ली जाए कि लोन वुल्फ लोग जो वो भी अपने इस काम में आगे बढ़ जाएं उनको किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने की भी ज़रूरत नहीं है बस अलकायदा आईस इस में उसको अपना लेगा कि हाँ। हम नहीं करवाया है तो ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड शुरू हुआ है दूसरी बात यह है कि जो आ, एक नया ट्रेंड और आया है वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ टेररिज्म हो गया है तालिबान जैसे संगठन को चाहे ऑफिशियली मान्यता नहीं मिली हो लेकिन हम देखते हैं कि बड़े बड़े फोरम्स में आ, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस में उसके मिनिस्टर्स जा रहे हैं आ, चीन के विदेश मंत्री वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर से दे मिल दे रहे हैं जो अभी यू एन लिस्ट में हैं और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि रूस में रमज़ान कदीरौफ का जो एक चेचन जिहादी ग्रुप था जो अभी अभी रूस की तरफ हुआ है उसकी फोर्सेस को रशिया यूक्रेन में भेज रहा है उस उसी तरह यूक्रेन के अंदर टर्की हया तहरीर अल शाम के जिहादियों को रूस से लड़ने के लिए भेज रहा है तो और एक ऐसा ग्रुप है जिसका नाम है मलहमा टैक्टिकल वो तो गन्स फॉर हायर है वो जिहादियों को आप पैसा दें वो कहीं भी लड़ने को चले जाएंगे तो ये एक जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ टेररिज्म हो रहा है ये एक बहुत ही ख़तरनाक डेवलपमेंट रशीद साहब आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला उठाया है यहाँ पर दोनों बातें जो आपने कही हैं बेहद सोचने वाली है बट कर्नल चड्डा ये सवाल मैं आपसे लूंगी आप डील करते आए हैं इस टाइप की सिचुएशन से बट ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिफेंस सिस्टम्स जो हैं हमारे लिए उस, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है क्योंकि आम लोग जो एजेंसीज है, हैं।, हैं वो जिस तरह से हैंडल कर रही हैं और आप जो हमारे डिफेंस फोर्सेज हैं वो जिस तरह से हैंडल करें उसमें काफ़ी फर्क है देखिए दो लेवल पर इस चीज़ को देखा जा सकता है अगर आप एक फंक्शनल लेवल के ऊपर देखें तो डिफेंस फोर्सेस का जो एक फंडामेंटल तरीका है सिखाया हुआ तरीका है एक बेसिक तरतीब होती है जो काउंटर टेररिज्म की उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है नहीं। जो अंतर आता है मेरे विचार से वो ये है कि इसको एक पहले बहुत छोटे दायरे में देखा जाता था जैसा कि अगर आप मान लीजिए कश्मीर के टेररिज्म की बात करते हैं तो उसको आप कश्मीर में रिस्ट्रिक्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में उसको करते हैं अब मेरे विचार से जो एक जो पिछले कुछ वर्षों से जो चेंज आया है वो जैसे रशीद साहब ने कहा है वो है एक प्रोलिफ्रेशन जो है वो थॉट का हुआ है इन्फॉर्मेशन का हुआ है और जिस प्रकार का टेररिज्म है उसका भी हुआ है तो आज जब सिक्योरिटी फोर्सेज इससे डील करती हैं तो ये मसला ये मामला सिक्योरिटी फोर्सेस तक ही सिर्फ़ सीमित नहीं रह गया है उससे और बहुत Uh, इसका जो इम्पैक्ट है जो असर है वो उसके बियॉन्ड जाता है uh, एक व्यक्ति जो कि रेडिकलाइज हो रहा है वो एक स्पेसिफिक दायरे में नहीं आता है सिक्योरिटी फोर्सेस के किंतु वो कल जाकर टेररिज uh, टेररिज्म uh, का साथ भी दे सकता है और एक टेररिस्ट भी बन सकता है तो एक सिक्योरिटाइजेशन हुई है उस फील्ड की जिसको हम एक नैरो डिफेंस के दायरे में देखते थे इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन अगर आप देखते हैं इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जाता है जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रोलिफ्रेशन हुआ है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है चाहे वो रिक्रूटमेंट के लिए है या वो पैसा इकट्ठा करने के लिए है या जिस प्रकार से लोन वुल्फ की बात की गई है देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तंजीम को डायरेक्ट किसी को एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका मैसेज ऑटोमेटिकली आज एक बहुत बड़ी जनसंख्या के पास दुनिया भर में पहुंच रहा है तो अगर कोई आकर्षित होता है उस आइडियोलॉजी से उनकी सोच से तो वो खुद हथियार उठा के वह हथियार की जरूरत भी इनफैक्ट नहीं है वो एक गाड़ी लेकर अगर भीड़ में भी उस गाड़ी में ले जाता है तो उसका वही इम्पैक्ट वो क्रिएट कर सकता है जो कि एक टेररिस्ट आमतौर पर जिस प्रकार से हम देखते थे वो कर सकता है तो मेरे विचार से जो इम्पैक्ट इसका हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस पर इंटेलिजेंस एजेंसीज पर काउंटर टेररिज्म पहले से कहीं ज़्यादा एक जटिल समस्या बन गई है कॉम्प्लेक्स इशू बन चुका है और इसको डील करना उतना ही मुश्किल हो गया कठिन हो गया और लेकिन साथ ही में जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं और जो बाकी एजेंसीज हैं लगातार इस पर काम कर रही हैं अम्बेजर गुप्ता एक ग्रोइंग इकोनमी है इंडिया और ये पूरा ग्लोब रिकोगनाइज कर रहा है इस बात को ऐसे में टेररिज्म का जो ये मसला है इसको आप इंटरनेशनली कैसे देखते हैं कई कंट्रीज के साथ आप डील कर चुके हैं आप एम्बेसडर रहे हैं आ, किस तरह से इस पर काम करने की इस वक्त जरूरत है खासतौर तो पे इंडिया में देखिए इंटरनेशनली ग्लोबल फ्रंट पे हम आवाज उठाते हैं और लेकिन उसमें कुछ टेंजिबल रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है तो हमारे पास क्या बचता है कि बायलैटरली दो तरीके से उसको डील किया जा सकता है कि बायलैटरली हम जिन कंट्रीज़ के पास इंटेलिजेंस अवेलेबल है उनसे अपनी शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस को और बढ़ाया जाए वो हम कर रहे हैं दूसरा हमारे देश में खुद इंटेलिजेंस गैदरिंग की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को बढ़ाने की बहुत सख्त ज़रूरत है उसके लिए पैसे लगेंगे तो मेरा ख्याल है सरकार को इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए रिक्विज फंड्स को मुहैया कराने की ज़रूरत है ये बात समझ में आती है लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है जैसा ज़िक्र हुआ कि आज की तारीख में टेररिस्ट जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल हो गई है अब सुनने में आ रहा है कि ड्रोन अटैक्स हो सकते हैं एक्सप्लोजिव लेडन ड्रोन अटैक्स से असैसिनेशन अटैम्प्ट हो सकते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं टेररिस्ट एक कदम आगे रहता है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में और आप देखें अभी हाल में आ, कुछ सर्वे में ऐसा भी आया है कि आ, ग्लोबल पीस जो है वो डिस्टर्ब ज़्यादा हो रही है लेकिन टेररिस्ट इंसिडेंट्स का आ, जो इंसिडेंस है वो कम हो रहा है कि टेररिस्ट एक्टिविटी से लोग बाग जो हैं 2015 के कंपैरिजन में काफ़ी कम डेथ्स हुई हैं लेकिन उसको एक दूसरे नज़र से देखा जाए तो हाल में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अफ्रीका में बहुत बढ़ गई हैं जो आई के ऑपरेशनल थिएटर्स बनते हैं उसमें से अधिकतर ऑपरेशनल थिएटर्स आज की तारीख़ में अफ्रीका में हैं तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो वीक कंट्रीज़ हैं जिनके पास रेक्विजिट रिसोर्सेज नहीं हैं उनको बहुत मुश्किल हो रही है वो ज़्यादा वनरेबल हैं तो फिर मैं उसी बात पे आता हूँ कि इस टेररिज्म से लड़ने के लिए रेक्विजिट रिसोर्सिस की जरूरत है जो एजेंसीज कोऑर्डिनेट कर रही हैं जिनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको रेकविजिट रिसोर्स देने पड़ेंगे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो बजटिंग है ये मार्जिनल इंक्रीज से नहीं काम चलेगा अब इस सिचुएशन में उसको डबल ट्रिपल चौगुना बनाने बढ़ाने की ज़रूरत है एक हमारा नज़रिया बदलना पड़ेगा क्योंकि वॉरफेयर जो है वो आज की तारीख में और अगले आने वाले टाइम में टोटली डिफरेंट होने वाला है ये हवाई जहाज और टैंकों से लड़ाई नहीं होने वाली है जबकि ये टेररिस्ट जो है हमारे ऊपर अटैक कर रहा है नॉन स्टेट एक्टर्स के बहुत दिनों से बात करते हैं तो आज की तारीख में हमको अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने की जरूरत बिल्कुल और बहुत सारे फॉर्म्स जैसे कि डॉक्टर रशीद आपने बताया बढ़ रहे हैं जैसे अम्बेसडर गुप्ता भी कह रहे हैं ड्रोन हैं हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की बात आई है बहुत सारे चेंजिंग फॉर्म्स हैं आईएसआईएस जो है उस पर भी आपकी एक्सटेंसिव रिसर्च रही है अगर इंडिया की बात करें किस तरह का प्रेजेंस देखते हैं हम इंडिया में क्या इंडिया में भी पैर फसार है आई देखिए यह एक बड़ी अजीब बात है कि अलकायदा जो भारत मतलब साउथ एशिया में बहुत डेकेड से है और उसकी लीडरशिप भी जो है वो आफपाक रीजन में रही और फिर हमने देखा जवाहिरी भी अफ़गानिस्तान में ही मारा गया और बिन लादिन भी पाकिस्तान में मारा गया लेकिन अलकायदा इतना अपना इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ा पाया जितना कि आइसिस बहुत जल्दी बढ़ा लिया उसने ये आ, इसके लिए जो है वो ये इसलिए और हैरत की बात है क्योंकि अलकायदा जो है वो पैन इस्लामिक है वो कई बार शियाओं से भी हाथ मिला लेता है वो उसने आ, इमाद मुगनिया के साथ मिलकर खोबर सऊदी अरेबिया में बम विस्फोट किया था और साथ साथ में बिन लादिन का बेटा हमज़ा बिन लादिन तो ईरान में ही पला लेकिन आइसिस जो है वो बहुत कट्टर सलफ़ी है वो सलफियों के भी खिलाफ़ है और सुन्नियों के भी खिलाफ है जो सूफ़ी सोच के होते हैं तो आइसिस इतना ज़्यादा कट्टर होने के बाद भी इतना पॉपुलर और इतना बड़ा विस्तृत तौर से फैल गया साउथ एशिया में उसको ये एक बड़ी हैरत की बात है इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि शायद वो सोशल मीडिया का रेवोल्यूशन तभी शुरू हुआ जब आईसिस जो है वो आया और जो टेरिटरी का कंट्रोल जो जो आप किसी को बहुत ख़तरनाक तब मानते हैं जब वो किसी जगह पे रूल करता है अलकायदा जनरली एनार्किस्ट ग्लोबल एन रहा और उसने टेरिटरी पे इतना ध्यान नहीं दिया इसने टेरिटरी पे हासिल करके एक मिथ बनाई कि मेरे पास ताकत है उसकी वजह से जो है आईसिस की तरफ लोग जो हैं जाने लगे मेनली अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर में जिस ज़्यादा जो लोग गए आईसिस के साथ उसके मुकाबले भारत से बहुत ही कम लोग गए जितनी बड़ी पॉपुलेशन है मुसलमानों की यहाँ पे तो मुश्किल से 100 के करीब भी नहीं गए होंगे लेकिन आ, 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 ये परेशानी है कि आईसिस का दबाव बढ़ता जा रहा है और आ, उसने जो है वो अब तालिबान आ, में भी कुछ कहते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं हकानी नेटवर्क वगैरह उनके भी जो हैं लिंक्स जो हैं आईसिस के से बढ़ रहे हैं और साथ साथ में कुछ ऐसी जमातें हैं मैं उनका नाम नहीं लूँगा कि जो एक ऐसा प्राइमर पैदा कर रही हैं कि वहाँ स्कूल और मदरसे आईसिस की सोच वाले पीओके में और, और कश्मीर में भी फैल रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें अभी और सचेत होने की ज़रूरत है और अगर अभी तक हम इस आ, मैंने इसको संभाल पाए कुछ हद तक लेकिन इस पर हम कंप्लेसेंट नहीं रह सकते और हमें इस पर और ध्यान देने की ज़रूरत है बिल्कुल आ, कल चड्डा एम आई जो है वो अपना काम लगातार करती रहती है कई तरह से डीलिंग होती है पी की बात करें या अदरवाइज जिस तरह की इन्फिल्ट्रेशन भी होती रहती है टेररिज्म से हर समय डील करते रहते हैं एक अलजवायरी की मौत जो हुई है और जिस तरह से सब बता रहे हैं कि हर तरह से और चेंजिंग फॉर्म्स लिमिटेड रिसोर्स इन सब के चलते इंडिया पे अगर आप असर की बात करें तो किस तरह का असर इस वक्त देखने मिल रहा है देखिए एक तो मैं पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहे जब तालिबान अफ़गानिस्तान में पहुँचा एक वर्ष पहले या उससे पहले जब आइसिस न के ऊपर आया 2013-14 में बात शुरू हुई और उसके बाद एकदम से आई पूरे उसका इम्पैक्ट दुनिया भर में हुआ मगर जब आप इसका असर देखें डायरेक्ट इम्पैक्ट जो इंडिया पे हुआ है वो रिलेटिवली लिमिटेड रहा है और आई थिंक ये दो हैं इसके एक जैसा डॉक्टर आदिल ने बताया कि हमारा जो एक सोसाइटल स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली बहुत भिन्न है बहुत अलग है दुनिया भर में अलग क्षेत्रों से अगर उसका कंपैरिजन करते हैं मेरे विचार से दो फैक्टर्स हैं जो कि सोशली जिससे हमने इन चीज़ों को रिजेक्ट करने में सफलता प्राप्त की है एक फैक्टर ये है कि जो हमारे सोसाइटल बॉन्ड्स हैं वो मेरे विचार से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं उसको हम वैल्यू नहीं करते हैं जितनी उनमें स्ट्रेंथ है और आई थिंक वो बहुत काम में आए हैं जब जहाँ तक आईसीस के स्प्रेड की बात आई है और दूसरा उसी से मिलता जुलता है हमारे फैमिली बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग हैं जब आप केस स्टडीज़ देखते हैं रिक्रूटमेंट की उसमें आप देखते हैं कि कई बार फैमिली मेम्बर्स फैमिली के जो बड़े बूढ़े हैं उन्होंने खुद इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास गए और उन्होंने बोला कि देखिए हमारे को लग रहा है कि हमारे बच्चा कहीं भटक रहा है कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर तो आप इसमें uh, आके देखिए क्या किया जा सकता है तो मेरे ख्याल ये एक सोशल स्ट्रक्चर जो हमारा है सोशल फैब्रिक है ये एक कोर है हमारा और ये हमारा कोर एक इनहेरिटेड कोर है जिसको हमें uh, जितना ये स्ट्रांग है इसको हमें स्ट्रांग बना के रखना है कि ये फैक्टर बहुत ज़रूरी है दूसरा फैक्टर मेरे विचार से ये है कि तालिबान 2.0 जिस प्रकार से उसको हम कहते हैं अब जो आए हैं साल भर पहले उनकी तवज्जो और उनकी जो कंसंट्रेशन है वो अपने लोकलाइज्ड एरिया में ज़्यादा है और मेरे विचार से उनकी ओर से एक ट्रांसनेशनल इम्पैक्ट क्रिएट करने का शायद उस तरह से विचार नहीं है जिस प्रकार से इनिशियली सोचा जा रहा था तीसरा जो फैक्टर है जो कि आइसिस से ताल्लुक़ रखता है आ, अगर आप देखेंगे कि आई ने कश्मीर में अपना पैर जमाने की कोशिश की थी मगर उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई है उसकी जो इनिशियल लीडरशिप आई भी थी उसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया है पार्टली ये सिक्योरिटी फोर्सेस की सक्सेस है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की सक्सेस है मगर साथ ही साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि एक कंपीटिंग इंटरेस्ट है आई जैसे ग्रुप में और जो लोकल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते थे कश्मीर में तो लोकल ग्रुप्स भी नहीं चाहते कि बाहर की आइडियोलॉजी का कोई ग्रुप वहाँ पर पैर जमाए क्योंकि उनकी जो अपनी आइडियोलॉजी है या जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको वो कहीं वो

क्या ज़रूरी कदम रहेंगे एज़ फार डिप्लोमेसी इज़ कंसर्न देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आई और अलकायदा ने बहुत कदम नहीं जमा पाए इंडिया में बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजन्स बट हमें बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है ये समझना पड़ेगा कि जो रेडिकल इस्लाम है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके रडार पे कौन से कंट्रीज हैं और है इंडिया उनके रडार पे है बिकॉज ऑफ कश्मीर इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन जो भी समझ लें आप लेकिन इंडिया इज अ टारगेट कंट्री ये हमको मान के चलना पड़ेगा वी हैव टू वर्स्ट के सिनारियो मान के चलना पड़ेगा डिफेंस की जो हम पॉलिसी या सिक्योरिटी की बनाते हैं hmm. तो जो सबसे बुरी सोच हो सकती है उसको सोचना पड़ता है आ, तो इसलिए हमको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है जैसा मैंने ज़िक्र किया कि सबसे पहले तो हमें तवज्जो ये देनी है कि हमारी अपनी कैपेसिटी बढ़ जाए इंटेलिजेंस uh, गैदरिंग की हमारी कैपेसिटी की जैसा कर्नल साहब ने बोला uh, कश्मीर में अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इफ़ेक्टिवली डील करेंगी uh, जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं uh, सब तरीके के और दूसरा आपने सवाल पूछा कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम क्या कर सकते हैं तो हमारा जो है जो दूसरे देश हैं हमारे आसपास जो कि इन मामलों से ग्रस्त हैं और जिनको इंटरनेशनल रीच है जिनके पास इंफॉर्मेशन है पहले भी हमारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती रही है लेकिन अब इंफॉर्मेशन शेयरिंग को ज़्यादा इंटेंसिव कर दिया है ज़्यादा क्लोजनेट कर दिया है और हमें ज़्यादा कोऑपरेशन की ज़रूरत है ब्रिक्स के फोरम में हम कोऑपरेट करते हैं बाकी जो स्मॉल प्लोलेट्रल फोरम में हम कोऑपरेट करते हैं और सबसे बड़ी जो चीज़, में, चीज़ है हमें बाइलेट्रली ये चीज़ें सेंसिटिव हैं तो एक मल्टी फोरम पर शेयरिंग बड़ा मुश्किल होता है तो इनको बाइोलेट्रली शेयर करना पड़ता है हमारी अमेरिका के साथ में इंटेलिजेंस शेयरिंग है रशिया के साथ में है जो भी हमारे दोस्त मुल्क हैं इसराइल इसराइल के साथ में हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है इंटेंसिव प्रोग्राम है इंटेलिजेंस शेयरिंग का तो किसी ना किसी तरीके से आप आगाह हो जाए कि क्या होने वाला है दुश्मन क्या प्लान करने वाला है तो इस तरह से अपने को बचाया जा सकता है आप की प्रिपरेशन आपको रखनी पड़ेगी कि एक ये खतरा है ये खतरा सिर्फ बॉर्डर पे चाइना और पाकिस्तान हाँ, से नहीं है लेकिन जैसा शुरू में ही आपने बताया था कि आज की तारीख में इंटरनेशनल टेररिज्म पोज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी तो और खासकर इंडिया जो कि हम इसके डेपडेशंस हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी नहीं पिछले पंद्रह बीस सालों से हम उसको उसका खतरा महसूस कर रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हमारे को बहुत वालेबिलिटी है और हमारे को अपने को मजबूत करने की जरूरत है बिल्कुल वर्स्ट सोच के रखना पड़ेगा रिसोर्स पे काम करना जरूरी रहेगा ब डॉक्टर रशीद अगर आई की बात करें तो अल अलजवा की जो मौत हुई है अफगानिस्तान में उसके बाद क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर पड़ा होगा आई कहीं ना कहीं खतरा थोड़ा सा शायद कम हुआ या हम कहाँ स्टैंड करते हैं इस पर अभी भी सोचने की जरूरत है देखिए देखियेरी तो अलकायदा का लीडर था और कुछ लोग ये कहते हैं कि उसके जाने के बाद कई अलकायदा के लोग कहीं ऐसा न हो कि आईसीस में ज्वाइन करने लगे क्योंकि वो पहले से ही एक बहुत बड़ी डिक्लाइन में अलकायदा है तो आईसीस को तो एक कंपटीटर कम मिल रहा है उसकी वजह से तो मैं नहीं समझता हूँ कि आई को कोई परेशानी है उससे और दूसरी एक बात यह है कि हमें जो है वो ये सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ जो स्पेशलाइजेशन है टेररिज्म पे काउंटर टेररिज्म पे वो अभी भी इतना विकसित नहीं है जितना होना चाहिए हम लोग अपने साइलोज में रहते हैं हमें उनका नैरेटिव पढ़ना चाहिए उसको डिस्क्रेडिट करना चाहिए उनके प्लान्स को पकड़ना चाहिए अगर टेलीग्राम और ऐसी किस्म के सोशल मीडिया जो डार्क वेब में हैं और उसमें जब अगर टेररिस्ट कुछ कह रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं और उसका उसका हमें कैसे उसको ब्लॉक ही नहीं करना है बल्कि उसका काउंटर भी देना है क्योंकि अगर हमारे पास काउंटर हम नहीं देंगे तो ज, जनता किसी भी तरह से जो बिगड़े हुए लोग हैं उससे अफेक्ट हो सकते हैं तो हमें एक पूरा एक ब्रॉड काउंटर टेररिज्म पॉलिसी के तहत इसके बहुत बड़े आयाम हमें देखने चाहिए ये रेडिकलाइजेशन एक सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसको अब हम सिर्फ सिक्योरिटी के डोमेन से नहीं देख सकते हैं एक सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे क्यों हो रहे हैं जो इतने सारा रेडिकल हो रहे हैं और ये ग्लोबल फिनमिना है लेकिन इंडिया में भी सोसाइटी में क्या टेंशनस हैं और किस वजह से लोग इस तरफ जा रहे हैं इस पर हमें अकेडमिक्स की भी ज़रूरत है इकोनॉमिस्ट्स की भी ज़रूरत है अगर टेरर फंडिंग की बात है या क्रिप्टो करेंसी की बात है तो इसमें एक एक बहुत ही विस्तृत आयाम इसका हमें देखना है सिर्फ ये मिलिट्री पे या सिक्योरिटी एजेंसीज पे नहीं छोड़ा बिल्कुल जा सकता बिल्कुल है। इसी के साथ मैं आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी एम्बेसडर गुप्ता डॉक्टर रशीद एंड कर्नल चड्डा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस पर भी आप हमें अपनी राय दे सकते हैं इसके लिए हमारा ई मेल है डी डी डॉट कॉम इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत आदाब